नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े, स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में। आइए रुक करते हैं इस वक्त के टॉप हेडलाइंस की ओर। पैसा डालने पर अब एटीएम से निकलेगा चावल और गेहूं, लखनऊ में ग्रेन एटीएम की हुई शुरुआत। राजस्थान में मोटे अनाज की खेती को मिलेगा बढ़ावा, किसान नई तकनीक से होंगे रूबरू। एचपीएम ने लॉन्च किया एचपीएम सुपर सोनिक प्रोडक्ट। शिंदे सरकार के खिलाफ एकजुट हुए किसान, पैदल ही मुंबई पहुंचे 10,000 आंदोलनकारी। परवल की खेती से ही एक सीजन में 15 लाख रुपए कमा रहा युवा किसान, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ चेयर। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड भारत के शीर्ष 50 बड़े कार्यस्थलों में हुआ शामिल। केमिकल फ्री खेती की तरफ बढ़ा किसान का रुख, विदेशों में भी हो रही अग्निहोत्र भस्म की चर्चा। सिंचाई के संयंत्र को लगवाने पर मिलेगी 80% सब्सिडी, जल्द करें आवेदन। दिल्ली से यूपी तक बरसेंगे बादल, कई इलाकों में ओले गिरने की संभावना। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अब चावल और गेहूं खरीदने के लिए किराना दुकान पर जाकर लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब वे दूध, पानी और रुपए की तरह ही एटीएम से राशन निकाल सकेंगे। इसके लिए बस उनको एटीएम में तय शुल्क के अनुसार कुछ पैसे डालने होंगे। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहूलियत के लिए इस राशन एटीएम की शुरुआत की है। खास बात तो यह है कि राजधानी लखनऊ में ग्रेन एटीएम नाम से इस व्यवस्था की शुरुआत की गई। जिला पूर्ति अधिकार सुनील सिंह ने कहा कि इस ग्रीन एटीएम के लगने से अब तोलने की झंझट खत्म हो जाएगी। उपभोक्ता तय रेट के अनुसार एटीएम में पैसा डालेंगे और उसके अंदर से उतना ही चावल और गेहूं बाहर निकलेगा। सुनील सिंह ने कहा कि पहले उपभोक्ताओं को तराजू से तोलकर चावल गेहूं दिए जाते थे, लेकिन अब ग्रीन एटीएम के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन वितरित करने का काम दिया जाएगा। एक उपभोक्ता ने बताया कि पहले जो राशन कम मिलता था उसकी भी शिकायतें भी आएंगी। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने कहा कि पूरे देश में केवल 9 ऐसे एटीएम लगे हुए हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्व की बढ़ती आबादी को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए मोटे अनाजों की खेती को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि पोषण से भरपूर मोटे अनाजों के नियमित सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, इसलिए मोटे अनाजों को आम जनता में लोकप्रिय करने के अधिकाधिक प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज बाजरा, ज्वार, रागी, कुटकी, सवा, कंगनी, चैना और कोदो पारंपरिक रूप से भारतीय भोजन का एक हिस्सा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में आज भी मोटा अनाज लोगों के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्यपाल ने कहा कि ये समय स्मार्ट कृषि का है। रिमोट सेंसिंग, IoT, रोबोटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खेती में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों को स्मार्ट खेती से जुड़ी नई तकनीकों के प्रति किसानों को जागरूक करना होगा। मिश्र ने कहा कि बिगड़ते मौसम तंत्र, जैव विविधता और संकट, साथ ही सिंचाई के साधनों के अभाव के संबंध में व्यापक सोच रखते हुए कृषि शिक्षा को नए आयाम दिए जाने की बेहद आवश्यकता है। एचपीएम कंपनी ने एक नई उत्पाद एचपीएम सुपर सोनिक लॉन्च किया है, जो कि एक कीटनाशक के रूप में बेहतर काम करता है। आपको बता दें कि एचपीएम सुपर सोनिक प्रोडक्ट के लॉन्च की कुछ फोटोज एचपीएम कंपनी द्वारा अपने ऑफिशियल लिंक्डइन पर शेयर की गई हैं। प्याज के गिरते दाम से परेशान किसानों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश से करीब 10,000 किसान एकनाथ शिंदे सरकार का विरोध करने के लिए पैदल ही मुंबई की ओर चले गए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने नाराज किसानों को मनाने की बेहद कोशिश की। नाराज किसानों का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक जीवा गवित ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार से बातचीत करेंगे। जीवा गवित ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर हमने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, साथ ही मंत्रियों सहित संबंधित अधिकारियों से बात की। दरअसल मुंबई पहुंचे किसानों से ठाणे जिले में प्रवेश करने के बाद मंत्री दादाजी भुसे और अतुल सावे ने उनके एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की, तभी 40% मांगों पर सरकार ने सहमति जताई थी। हालांकि पूरी मांग नहीं मानी गई तो किसान नाराज हो गए और अपनी पदयात्रा मुंबई के लिए जारी रखी। बिहार के मुजफ्फरपुर नगर के संग्रह प्रखंड के मछली गांव के सोनू निगम कुमार की ख्याति देश के युवा किसान के रूप में होने लगी है। महज 23 साल के सोनू इनोवेटिव कृषि सम्मान से सम्मानित होने के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान रत्न के लिए भी चुने जा चुके हैं। सोनू मुख्य रूप से परवल की खेती करते हैं। वो कहते हैं कि परवल की खेती मुनाफे का सौदा है
और यही कारण है कि लगभग 6 एकड़ भूमि में सोलह परवल उगाते हैं। इसमें औसतन प्रति महीने उन्हें करीब 2 लाख रुपए की कमाई होती है। वे कहते हैं कि परवल का सीजन 7 महीने का होता है, ऐसे में 14 से 15 लाख रुपए का मुनाफा एक सीजन में हो जाता है। सोनू निगम कुमार बताते हैं कि उनके द्वारा उगाया जाने वाला परवल विशेष किस्म का है, जिसमें बीज कम होता है और परवल का आकार बड़ा होता है। अन्य प्रजाति के परवल के मुकाबले ये अधिक स्वादिष्ट होता है, साथ ही इसके रखने की लाइफ भी बाकी परवल से अधिक होती है। इस कारण सोनू के द्वारा उगाए जा रहे परवल की डिमांड पूरे बाजार में अधिक है। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड भारत के शीर्ष 50 बड़े कार्यस्थलों में शामिल हुआ है, जिसका कंपनी को बेहद गर्व है। आपको बता दें कि गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड द्वारा नवाचार की संस्कृति का निर्माण किया जा रहा है। कंपनी ने कहा कि हमारे मूल्यों और लोगों को पहले रखना हमारी संस्कृति का एक वसीयतनामा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस अवसर पर गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देते हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ता प्रदूषण अब कृषि पर भी भारी पड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे रासायनिक खाद के इस्तेमाल से खेती वाली जमीन प्रदूषित हो रही है, साथ ही फसलों को भी नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि अब किसान रासायनिक खेती की जगह अग्निकुंज कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। देश के कई बड़े कृषि वैज्ञानिकों ने खेती की इस वैदिक तकनीक को लाभप्रद बताया है। कानपुर के रहने वाले पंकज मिश्र अग्निहोत्र के बाद बची हुई भस्म को खाद में मिलाते हैं, जिससे मिट्टी को वे सभी पोषक तत्व मिलते हैं जिसकी उसे जरूरत होती है। पंकज मिश्र पहले मार्केटिंग के फील्ड में सेल्स का काम करते थे, लेकिन अब वो अग्निहोत्र कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने अग्निहोत्र फ्रेश फार्म नाम से एक स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर की है, जो कि अग्निहोत्र कृषि के द्वारा पैदा किए गए हैं, जो कि उत्पादों की मार्केटिंग करेंगे। अग्निहोत्र फ्रेश फार्म स्टार्टअप के तहत रेस्टोरेंट और सेल्फ स्टोर्स की चैन कानपुर, लखनऊ, जयपुर और भोपाल में खोली जाएगी। खास बात तो यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने स्टार्टअप के तहत संस्था को बैंक के माध्यम से पूरी वित्तीय सुविधा प्रदान की है। देश के कई राज्यों में भूजल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने और रिचार्जिंग बोरवेल इंस्टॉल करवाने के लिए किसानों को बंपर सब्सिडी दे रही है। अब हरियाणा सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने पर 85% अनुदान दे रही है। आपको बता दें कि ड्रिप सिंचाई, जिसे टपक सिंचाई भी कहते हैं, इस विधि में बूंद बूंद के रूप में फसलों की जड़ के पास एक छोटे व्यास के प्लास्टिक पाइप से पानी प्रदान किया जाता है। ड्रिप सिंचाई विधि से फसलों की उत्पादकता में 20-30% तक लाभ मिलता है, साथ ही 60-70% तक पानी की बचत होती है। स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई नल द्वारा पानी खेतों में भेजा जाता है, वहीं राइजर पाइप द्वारा खेतों में छिड़काव विधि से सिंचाई की जाती है। आपको बता दें कि पानी बचाने के लिए सरकार ने 1000 रिचार्जिंग बोरवेल लगाने का फैसला किया है। बोरवेल लगवाने में 25,000 सरकार खर्च करेगी। हरियाणा सरकार ने रिचार्जिंग बोरवेल पर आवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी है। यदि आप भी हरियाणा के किसान हैं और अपने खेत में जल संचयन के लिए बोरवेल लगवाना चाहते हैं, तो सिंचाई और जल संसाधन विभाग हरियाणा की वेबसाइट hid.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने थोड़ी राहत भरी खबर दी है। देश के अधिकतर हिस्सों में 17 मार्च से 20 मार्च के बीच गरज के साथ बारिश या ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज से 20 मार्च तक बारिश से मौसम खुशनुमा रह सकता है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी तरह के खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।